उज्जैन जिले की खाचरोद और नागदा दोनों नगर पालिकाओं के सीएमओ और अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सख्त निर्देश भी दिए। पीएम आवास, जल आवर्धन योजना, तालाब सौंदर्यकरण, ट्रेंचिंग ग्राउंड, शहरी अतिक्रमण के साथ शहरी विकास के विभिन्न योजनाओं पर चर्चा बंद कमरे में की। इस चर्चा से पत्रकारों को दूर रखा गया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पत्रकारों से जब मंत्री रूबरू हुए तो पत्रकारों ने बंद कमरे की बैठक पर सवाल खड़े कर दिए और पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में लगी रोक पर सवालों की झड़ी लगा दी, जिस पर मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले पिछले 15 वर्षों की शिवराज सरकार के विकास के राह में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है, जिसका परिणाम शीघ्र ही जनता के सामने होगा। खाचरोद नागदा में जल आवर्धन योजना के तहत प्रतिदिन पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी। वहीं खाचरोद नगर पालिका की पेयजल योजना, नवीन बस स्टैंड पर निर्मित दुकानों और ट्रेचिंग ग्राउंड के प्लांट की जाँच के आदेश भी दिए। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। रखी हमको अधिकार मिला, हमने उसको माननीय सीएम साहब के साथ और माननीय नगर प्रतिपक्ष जी के साथ बैठ के उस पर तय किया। सर नागदा के सभी एक गांव है गिदवानिया, तो वहां पे नगर पालिका द्वारा एक टेंशन प्लांट लाया गया था कचरा डालने का, तो सर वो उसकी दीवारें इतनी टूट गई है कि उसमें जो कचरा उड़ के पूरे खेतों में आ रहा है, इसके बारे में आपके बात हो गई है, इसके बारे में चर्चा हुई है और उसमें जो भी उसमें कसर रह गई है टेंशन ग्राउंड में, जिसके कारण वो सर बहुत ज्यादा वो ग्रामीण वो काम हो जाएगा।